Hey foodies, welcome back to Sonia Cooking Lab. आज मैं बहुत ही यम्मी इंडो इटालियन ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही क्विक और ईजी है, जिसे जानने के लिए मेरी रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आई एम श्योर अगर आप मेरी इस रेसिपी को इसी तरह से बनाएंगे तो ये सभी की फेवरेट बन जाएगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 कप पास्ता को पानी गर्म होके बॉयल हो जाने के बाद उसमें नमक डाल के बॉयल कर लिया है। अच्छी तरह से पास्ता को पका लिया है और जब पास्ता पक जाए, ये देखिए पकाने के समय हमको इस तरह से चेक करना है बहुत ही आसानी से। ये देखिए पास्ता बिल्कुल बढ़िया पक गया है। फिर उसे मैंने छान लिया है, ये देखिए मैं एक और कट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से इजीली बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाए, ओवर कुक भी नहीं करना है हमें यहाँ पे पास्ता पकाते समय। तो ये हमारे पास्ता अच्छे से पक गए, इसे मैंने छान के रख लिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 10 से 12 कलियाँ लहसुन की काट के, चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद के अनुसार, शिमला मिर्च, एक टमाटर और 1 कप दूध और 1 से 1.5 चम्मच मैदा और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और ये लिया है मैंने व्हीट पास्ता, देख सकते हैं। और मैंने 1 चीज़ क्यूब को ग्रेट करके रख लिया है। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच बटर यूज़ किया है। आप चाहें तो बटर थोड़ा और ज़्यादा, 1 और चम्मच भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी अब गार्लिक बारीक कटे हुए। बटर डालते ही हमें गार्लिक डाल देना, अदरवाइज बटर जल जाएंगे। इसमें सॉल्ट रहता है तो जल्दी से जल जाता है बहुत तेज़ी से। और गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है यहाँ पे इस स्टेज में। इसके बाद इसमें मैंने जो 1 से 1.5 चम्मच मैदा लिया वो डाल दूँगी और गैस की आंच धीमी करके इसे बिल्कुल इसी तरह से भूनना है जब तक कि मैदे का कलर चेंज ना हो जाए और अच्छा स्मेल आने लगे। 2 से 3 मिनट के बाद इस तरह से देखिए मैदा बिल्कुल पक के कलर चेंज हो गया है। अब इस स्टेज में मैंने यहाँ पे जो दूध लिया था वो डाल दूँगी और दूध और मैदे को बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाना है, कोई भी लम्स ना रह जाए। और यहाँ पे भी मैंने गैस की आंच को धीमा ही रखा है, क्योंकि आप अगर गैस की आंच मीडियम या हाई मीडियम रख देंगे तो बिल्कुल मैदा उसमें लम्स भी बन जाएंगे और वो स्लो आंच पे कुक होगा तभी अच्छा टेस्ट आएगा उसका। यहाँ पे मैंने 1/2 कप वाटर भी डाला है क्योंकि ग्रेवी थिक थी। अब उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ग्रेटेड चीज़, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। इसे भी अच्छा मिक्स करेंगे, ध्यान रहे इसमें कोई लम्स ना रहे। यहाँ पे हमें इसकी थिक ग्रेवी बना के तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी बनी है। तो अब इसके बाद इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, उसे भी अच्छा मिक्स करेंगे और नमक टेस्ट के अनुसार, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ वो डाल देंगे और बारीक कटे हुए टमाटर। इन सारी चीज़ों को डाल के हमें यहाँ पे कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, जस्ट एक नाइस मिक्स देना है सारी चीज़ों को। बिकॉज वैसे भी हम शिमला मिर्च, टमाटर, इन सारी चीज़ों को कच्चा खा सकते हैं तो ये अच्छे लगते हैं। अगर कुक हो जाएंगे तो नरम पड़ जाएंगे, इसका क्रंचीनेस नहीं रहेगा। इसलिए अब इसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल और इन सारी चीज़ों को अच्छा मिक्स करके उसमें हम पास्ता ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें येलो और रेड बेल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं इसी स्टेज में। पास्ता को इसी तरह से 1 से 2 मिनट तक मिक्स करके पका लेंगे मीडियम आंच पे
उसके बाद हमारा यम्मी टेस्टी पास्ता बनके तैयार है। मैंने यहाँ पे थोड़े चिली फ्लेक्स डाल दिया है। आप भी इसी तरह पेने रिगेट बीच पास्ता बनाइए और खाइए। तो अब यहाँ पे हमारा पास्ता बनके तैयार है। थोड़ी सी इसकी सीजनिंग कर देंगे हम मिक्स्ड हर्ब से और अब ये हमारा पेने रिगेट वीट पास्ता रेडी है सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं हमारी अगली नई और यमी रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।